क्या केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने जा रही है? जान ले पूरी सच्चाई। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसके बाद से केंद्र सरकार से भी इसकी मांग की जा रही है। वहीं कई मीडिया ये खबर चला रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने जा रही है। हालांकि आपको बता दें, इस बारे में किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था में किसी तरह का बयान नहीं दिया है और ना ही इस पर कोई बैठक की गई है। हाल ही में संसद में मानसून सत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की चर्चा हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। इन खबरों के दौरान ये खबर सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। आपको बता दें कि अब देश में केवल गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू की घोषणा हुई है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहीं पंजाब में भी इसे लागू करने की घोषणा की है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके अलावा झारखंड में जेएमएम की सरकार हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में भी पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। इस बारे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनवरी महीने के कैबिनेट बैठक में हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया था।